जय श्याराम। स्वागत है परम प्रिय मेरे भाई बहन, गुजरात से जुड़े हुए भाई बहनों का नव वर्ष आज प्रारंभ हो रहा है। उन सभी लोगों को विशेष रूप से गुजराती नव वर्ष की शुभकामनाएं। मेरे भाई बंधु, कल 6 नवंबर 2021 को भैया दूज, जिसको यम द्वितीया उत्तर भारत में और भावबीज जो है दक्षिण भारत में कहा जाता है, उसका पावन उत्तमोत्तम पर्व है। ये रक्षाबंधन और भावबीज जो है संसार में आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए, स्पेशली भाई बहनों के प्रति सम्मान बढ़ाने वाला उत्तमोत्तम और उम्र को बढ़ाने वाला ये भाई बीज का पर्व है। भगनी गृह भोजनम, इस दिन हर भाई को अपने बहन के घर जाकर के भोजन ग्रहण करना चाहिए, अगर उनका विवाह हो गया है तो, नहीं तो घर में ही मिल बांट करके। मुहूर्त का भी बड़ा महत्व है, तो मुहूर्त का अगर आप चर्चा करते हैं तो प्रातः 9:30 बजे के अंदर अपने प्यारे से भैया के जो है माथे में टीका लगाना चाहिए, और भी जो पूजा का अलग अलग परंपराओं में वस्त्र अर्पण किया जाता है वो सब करना चाहिए, उनको मिठाई खिलाना चाहिए, आरती उतारनी चाहिए, जैसी जहाँ की जो परंपरा है वो विधि करके आशीर्वाद अपने भाई को प्रदान करना चाहिए और भाई को उपहार इत्यादि से अपनी बहन को संतुष्ट करना चाहिए। तो प्रातः 9:30 बजे के अंदर में, इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो अभिजिन मुहूर्त 11:40 से प्रारंभ हो जाता है, पर अलग अलग शहरों में अलग अलग समय होने के कारण 12 से 12:30 के अंदर करना उत्तम रहेगा। इसके बाद अगले मुहूर्त में जाएंगे, जो नेट पे हर जगह भरा पड़ा हुआ है, 1:10 से लेकर के 3:21 तक, तो मोटा मोटी 1:15 PM से लेकर के 3:15 PM के अंदर में ये आप कर सकते हैं। और इसकी पूजा की बहुत ही महत्व है, जैसा कि आप व्रत रहते हैं, और ये जो केवल टीका लगाना नहीं होता है, भाई के प्रसन्नता के लिए, दूसरी भाषा में सलामती के लिए, इसमें चित्रगुप्त जी का पूजा जो यमुना माता जी हैं और यमराज जी हैं इनके साथ में किया जाता है। तो पूरी विधि जो है इस लिंक को आप टच करके स्वयं देख के हमारी बहनें कर सकती हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डालने का मैं प्रयत्न करूंगा। इस दिन जो है बहुत सिफारिश करने के बाद में यमराज जी, महाराज बहुत बिजी रहते थे तो अपनी बहन यमुना जी के यहाँ गए थे। तो इसमें सबकी विशेषता है, तो पूरी कथा जो है, अगर आपने आपके पास पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो इस लिंक को आप देख करके पूरी कथा भी आप श्रवण कर सकती हैं, जान सकती हैं। तो ये बहुत ही उत्तम पर्व है, इसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। और लाभ लेने के साथ में मेरी दृष्टि में जो अपनी माँ को प्रेम करता है वो दूसरी माँ को भी प्रेम नहीं करता, तो दूसरी माँ का अपमान नहीं करता है। इसी प्रकार से अगर हम अपनी भाई बहन को, बहन का सम्मान कर रहे हैं, तो जो दूसरी की बहन है वो अपरिचित है या कोई भी है तो उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। हम सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दूसरी की बहन बेटियों का अपमान हो ऐसा कोई कार्य हमें कदापि नहीं करना चाहिए, और ऐसा कार्य कहीं हो रहा है तो उसे रोकने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी समाज में तत्काल लाभ हमें देखने को मिलेगा। तो पुनः सभी भाई बहनों को ये पावन भैया दूज, यम द्वितीया जिसको भावी बीज कहा है, इस पर्व की लाख लाख बधाइयां। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ में, स्पेशली मेरी तरफ से जो हमारे हिंदू रिचुअल्स की बहनें हैं, छोटी हैं बड़ी हैं, उन सबको सादर जय श्याराम। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में।